मेरी ऑलमोस्ट 10 इंचेस विड्थ हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसकी स्लीव्स का पार्ट जो है कंप्लीट करूँगी। इसमें देखें, हमने ये हमारा फ्रंट पार्ट है ना, अब हमें ये स्लीव्स का पार्ट स्किप करना है इसमें, और अब हम सिर्फ अपनी बॉडी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट बॉडी की लेंथ कंप्लीट करेंगे, तो इसमें मैं आपको बताऊँगी। हम इस तरह से जाएंगे बनाते हुए और इधर से हम अपनी स्लीव्स का पार्ट स्किप करेंगे, ठीक है? तो आपने उसी तरह से टर्न करके और चेन थ्री करके फर्स्ट डीसी काउंट करना है उसको, और फिर आपने अपने डीसी कंप्लीट करना है। ये देखें, ये हमने फर्स्ट कॉर्नर तक अपना जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद हमने अपना स्लीव्स की पार्टीशन अलग करके और अपनी बॉडी पे हमने इसको अटैच करना है। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर आ गया, ठीक है? ये हमारा फ्रंट है अंगरखा का एक पार्ट, और फिर ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। फर्स्ट कॉर्नर पे आपने 2 DC करने हैं, खाली 2 DC बनाए आपने फर्स्ट कॉर्नर पे। अब हम स्लीव्स के पार्ट को स्किप करेंगे। ये देखें, गौर से देखिएगा, स्लीव्स के पार्ट को स्किप करके आपने सेकंड कॉर्नर पे भी 2 DC बनाना है। ये देखें, इस तरह से ये आपका लुक आएगा। आपने सिंपल इसको फर्स्ट कॉर्नर तक फॉलो किया, फर्स्ट कॉर्नर पे 2 DC, और फिर आपने दोबारा स्किप करी स्लीव्स का पार्ट। स्लीव्स का पार्ट स्किप करके आपने सेकंड कॉर्नर पे दोबारा 2 DC बनाने, और फिर अब दोबारा से हम ये बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बैक पार्ट कंप्लीट करके मैं आपको शो करती हूँ जी। तो देखिए, ये मैंने इसका बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी मैंने स्लीव्स का पार्ट स्किप करके बैक पार्ट बनाया। अब हम उसी को रिपीट करेंगे। हम ये स्लीव्स का पार्ट जो है इसको हम स्किप करके और सिर्फ कॉर्नर पे वर्क करेंगे, और फिर फ्रंट पार्ट बनाएंगे, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा थर्ड कॉर्नर है स्लीव्स का, पार्टीशन करेंगे हम इसमें। थर्ड कॉर्नर पर हम दोबारा 2 DC बनाएंगे। ये देखें, 2 DC बन गए, यानी कि इसको हम कहते हैं बड़ा टाँका। DC को हम बड़ा टाँका कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू ज़बान में बड़ा टाँका। सबसे छोटा टाँका होता है SC, सिंगल टाँका, फिर बड़ा टाँका और आधा टाँका। अच्छा, अब देखें, अब ये मेरा तीसरा कॉर्नर था, इस पर मैंने ये बना लिया 2 DC। अब मैं दोबारा स्किप करके ये स्लीव्स का पार्ट और इसको दोबारा से यहाँ पे दोबारा से फोर्थ कॉर्नर पे 2 DC बनाऊंगी। देखें, ये देखें, ये मेरा स्लीव्स का पार्ट हो गया। इसको हम अलग से स्लीव्स को बनाएंगे। ये देखें, अब मैं अपना फ्रंट पार्ट ये कंप्लीट करके और फिर मैं आपको बता दूँगा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना है ये आपकी एच बिल्कुल सीधी आए। आप है ना, देख इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। अब आपने ये, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लास्ट है या एक बनाना है या नहीं बनाना रहता है हमारा आखिरी स्टिच, तो आपने उल्टा करके गिनना है। देखें, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर, तो अब पता चल रहा है हमें कि ये हमारा जो है एक रहता है, तो अब हम इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है? इस तरह से देख लिया करें तो ये आसानी हो जाती है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये राउंड पार्टीशन का, जिसमें हमने स्लीव्स को अलग करना था। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल फॉलो करेंगे ये राउंड्स। हम तीन चेन लेके उसी तरह से, और फिर उसी तरह से हमने राउंड्स DC के बनाने हैं। इधर जो भी 2 DC हैं उनको कवर करना है, जितने भी DC बनाए, और इसी तरह से सिंपल राउंड्स बनेंगे। चेन वन टर्न आप करते रहेंगे, और ये अपने राउंड्स कंप्लीट करने हैं हमें। 9.5 इंच, हाँ 9.5 इंच हमें लंबाई बनानी है। 9.5 इंच आपने लंबाई इसकी कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 इंच हम जो है इसकी रिबिंग का बॉर्डर जो है आगे ऐड करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। तो आप लोग अब इसकी, मैं आपको इसकी बॉडी का पार्ट बना के फिर आगे बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसका
बॉर्डर बनाना है, रिबिंग जो बॉर्डर है, ठीक है। तो आपने इसकी फुल लेंथ यहाँ से काउंट होगी आपकी लेंथ इधर से, ये देखें यहाँ से काउंट करनी है शोल्डर से, और 9.5 तक हमने जो है इसकी लेंथ कंप्लीट करके, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका बॉर्डर कैसे बनाना है और स्लीव्स का, ठीक है जी। तो भैया जी देखिए मेरा 9.5 तक कंप्लीट हो गया है लेंथ। अब मैं जो है इसकी रिबिंग लास्ट बॉर्डर जो है वो बनाऊंगी, हमारी रिबिंग है उसमें इसकी बॉर्डर में। तो अब हमने मेरा जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये फिनिश हुआ था तो मुझे कट करना पड़ा है। अगर आपकी रोज़ राइट साइड पे फिनिश हो तो आप कट नहीं करिएगा, आप उधर से स्टार्ट करिएगा। तो मैं अपनी राइट साइड पे अटैच कर रही हूँ यार्न, और इस तरह से मैं चेंज लूँगी। अच्छा, रिबिंग के लिए आप अपना हुक छोटा यूज़ करेंगे, मैंने 3 mm हुक यूज़ किया है रिबिंग के लिए। नीचे बॉर्डर पे रिब्स मैं जो है 6 स्टिचेस की बना रही हूँ, तो मैं 7 जो है चेंज लूँगी, ठीक है। एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है। अगर आप इधर 5 इसकी बनाना चाह रहे हैं 5 स्टिचेस की, तो आप 6 चेन लेंगे। मैंने 7 चेन्स ले ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं मेरी जो फर्स्ट 2 चेन्स हैं वो हाफ डी सी हैं, हाफ डी सी हैं। अब थर्ड पे मैंने अपना सेकेंड बनाया डी सी, हाफ डी सी। मैं इसी तरह से हर चेन पे अपना हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए जाऊंगी और टोटल मेरी 6 हाफ डीसी बन जाएंगे। देखें आपकी मर्जी है, मैं रिबिंग के लिए छोटा हुक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें ये हमारे हाफ डीसी बन गए। अब आपने एक स्टिच छोड़ के और सेकंड पे आपने इसको स्लिप स्टिच करना है। ये देखें एक आपने स्टिच छोड़ी, ये हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सेकंड छोड़ के थर्ड पे हमने इसको स्लिप स्टिच किया है। फिर हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, दोबारा चेन वन लिया, इसको टर्न करेंगे और फिर हमने चेन वन लेके हमने इधर से हमने ध्यान रखना है कि कितने 3 4 5 6 ये वाला फर्स्ट पे हमने ध्यान से अपने बैक लूप पे हाफ डी सी बनाना है। हाफ डी सी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये हमारा 6। ये देखें 3। आपने अपनी काउंटिंग का ध्यान रखना है। अब दोबारा से हमने वहीं पे चेन वन लिया और टर्न करा और चेन वन को स्किप करके फर्स्ट हाफ डी सी पे अपने बैक लूप पे हमने हाफ डी सी बनाया पहला अपना, फिर दूसरा। ये देखें इसको ये देखें बैक लूप पे इस पे अब हमने पहली दफा जो हमने किया था स्लिप स्टिच, एक स्टिच का गैप दिया था, स्किप की थी। अब हम दूसरी दफा में 2 स्टिच का स्किप करेंगे, गैप देंगे। ये देखें ध्यान दे रहे हैं आप, 1 और 2 स्किप करी यहाँ से जो हमने बनाया था, तो ये 2 स्किप करके और ये तीसरे पे हमने स्लिप स्टिच करके और इसको टाइटली हमने अपनी तरफ पुल करना है। अब हमने उसी तरह चेन लिया, एक सेकंड रुको, ये देखें चेन वन करके मैं आपको दिखाऊं क्लियरली। ये देखें चेन वन को हमने स्किप करा और ये हमने पहले उस पे अपने बैक लूप पे हमने हाफ डी सी बनाया, फिर हमने दोबारा बैक लूप पे ही बनाते जाना है। इस तरह हमने अपने 6 हाफ डीसी कंप्लीट करने हैं। ये देखें इसी चीज़ को आप फॉलो करेंगे और आप ये बनाते हुए जाएंगे। देखें ये आपका रिबिंग जो है बनती ही जाएगी। आपने इसको इस तरह से लेके पूरा यहाँ पर जब आप आ जाएं तो आपने कंप्लीट करना है, फिर हम जो है ये अपनी साइड ऊपर तक लेके जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक पार्ट और ये बटन ये जो पार्ट है ये हम कंप्लीट करेंगे। चलो अलमारी आ रही थोड़ी सी, ये कर रहे हैं देखो, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ये हमारा ये पूरा इस तरह से राउंड कंप्लीट करके अब मैं ये अपनी फ्रंट पैनल जो है कंप्लीट करूँगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखें इस तरह से यहाँ पर मैं आपको एक इसकी दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इसको लास्ट में स्लिप स्टिच करा है। ये देखें ये देखें हमने 6 पे जो है कॉर्नर पे जो है स्लिप स्टिच कर ली लास्ट, और ये देखें ये हमारी लास्ट स्टिच थी, उसको मैंने ये स्लिप स्टिच करके अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे इस पूरे पैनल का चौड़ा सा बनाना है, रिप यहाँ पर जो ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा स्लिप स्टिच करके इधर लाऊंगी और फिर जो है हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरह से किया। चेन वन ले ली हमने और हम इस पर स्लिप स्टिच करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अब मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगी 7 या 6 इंच, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से ये दो जो स्टार्टिंग चेन है वो हमारा फर्स्ट स्टिच काउंट होगा और फिर हम थर्ड पे अपना सेकंड जो स्टिच बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, यानी कि हाफ डीसी काउंट होगा हमारा, सिंगल हाफ डी सी, इसको हम आधा टाका भी कहते हैं उर्दू में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा बन गया। अब हम लोग देखिए इसको इस तरह से रखते हुए हमें यूं जाना है, तो फिर हम इधर ही इसका स्लिप स्टिच करेंगे, करा हमने स्लिप स्टिच और फिर हम दोबारा उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। बैक लूप पे हमने बाकी स्टिचेस बनानी है। पहले इसका ध्यान रहे कि पहला जो है टांका आपसे मिस ना हो, पहला स्टिच, तो आपने इसका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा घेरा यहाँ पर आपने बनाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हमारा पांचवा। अच्छा, ये एक आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करूँ, किसी भी कार्डिगन बेबी क्लॉथिंग है और आपको उसकी जो है बॉर्डर बनाना है, चाहे वो सिंगल एससी की रो ही से बॉर्डर बनाना है, तो आप हमेशा एक बात नोट करिएगा, जब भी आप छोटा हुक यूज़ करेंगे बॉर्डर के लिए तो इतनी ज़्यादा नफासत और खूबसूरती आएगी। तो ये आप मेरी बात को लिख लें, डायरी पर नोट कर लें कि हमेशा बॉर्डर बनाते हुए एक नंबर, हाफ नंबर या एक नंबर हुक छोटा यूज़ करें तो आपकी बॉर्डर बहुत खूबसूरत और बहुत नीट लुक आएगा। अब मैं दो स्टिचेस की जगह जो है स्किप करके और फिर मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ये देखें, मैंने एक स्टिच कम रखा है ऊपर जाने के लिए, फ्रंट पैनल के लिए। यहाँ पे मैंने 6 स्टिचेस का बनाया था, ये मैं 5 स्टिचेस का बनाऊँगी, आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको इधर जो है राउंड जो ये नेक पे जा रहे हैं यहाँ तक बना के आपको शो करती हूँ। ये थोड़ा सा इसमें जो है हमें स्टेप नोट करने के हैं, वो मैं आपको ज़रा बता दूँ, इधर और इधर, फिर हम जो है इजीली इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारी सिर्फ सीव्स रह जाएंगी। बटन्स इसमें ही जो है आप देख लें, स्मॉल बटन हैं जो इसमें होल की स्पेस देनी है नहीं देनी, वो आप बनाते हुए हम जो है देखेंगे, ठीक है।